राज बब्बर को यहां पर अकेले नहीं भेजा है, ये जिम्मेदारी इस मंच ने, ये जिम्मेदारी मेरे नेतृत्व में मुझे दी है। मैं उसको नमन करते हुए, उसका आभार प्रकट करते हुए, लेकिन जो सम्मानित टीम जो भी है, वो टीम में राज बब्बर एक कार्यकर्ता है, एक साथी के रूप में है। मैं इस टीम का एक सदस्य हूं, मैं इस सम्मानित टीम का एक सदस्य हूं, जिस टीम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। ये टीम जो हमारे मंच पर विराजमान है, मैं सबसे पहले मैं इस टीम के बारे में कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं। बेटा बॉलिंग करना बंद कर दे, क्योंकि बॉलिंग में सब लोग फ्लॉप हो रहे हैं वहां, बंद कर दो राजा, ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। हम यहां पर संघर्ष के लिए आए हैं, मिशन के लिए आए हैं। अगर फोटो चाहिए तो तुम्हारे घर में आके खिंचवा लूंगा, लेकिन कम से कम जबान अपनी हिम्मत रखने का काम करना। आप बैठ जाए दोस्त, आपका चेहरा सबसे ज्यादा टीवी पर आएगा, उसके बाद मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा। लेकिन अब बहुत हो गया, अब अपनी बात कहने का मौका दीजिए, इस टीम का सम्मान कीजिए जिस टीम को जिम्मेदारी दी गई है। ये टीम जो हमारी मार्गदर्शक, हमारी मातृशक्ति शीला दीक्षित जी बैठी है, हमारे आदरणीय नेता जिनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये इतना बड़ा प्रदेश है, जो वर्षों से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान संभालकर, उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के परचम को, कांग्रेस के झंडे को, कांग्रेस के तिरंगे को घर घर पहुंचाने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा सम्मान के साथ में इस मंच पर वो गरिमापूर्ण स्थान दिया है। आदरणीय निर्मल खत्री जी, आदरणीय भाई संजय सिंह जी, इनके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, ये संजय सिंह जिसका नाम है, ये संजय सिंह अपने नाम के पीछे जी नहीं लगाता, ये एच पर खत्म करता है और आने वाले कल कुछ बात ये साहित कि किसी की जी अधूरी और कहीं होगी, एच पे बात खत्म होगी। हम हराना जानते हैं और इसीलिए हम एच पे खत्म करते हैं, ये संजय सिंह का। एक व्यक्ति इस टीम का जो महत्वपूर्ण सदस्य है, जिसके बारे में इतना ही कह सकता हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई आया कोई गया, लेकिन एक जो अटल रहा, एक जो अधिक रहा, एक जो हिमालय की तरह कांग्रेस में रहा, मजबूती के साथ ये जो है प्रमोद तिवारी जो यहां पर मौजूद। साथियों, ये वो टीम है जिस टीम में आरपीएन सिंह जैसे बहादुर साथी हैं, जिनके पास अनुभव भी है, जवानी भी है, जोश भी है और आगे चलना भी जानता है।